नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। नए कृषि कानून के विरोध में कल यानी 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारत बंद के दौरान यूपी गेट को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक NH-24 को बंद रखने की बात कही गई है। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि 26 मार्च को भारत बंद के दौरान बॉर्डर पर बैठे सभी किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और NH-24 पर दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना के बीच इस सप्ताह होने वाली शिखर वार्ता के दौरान मुख्य रूप से संपर्क और वाणिज्यिक मसलों, जल प्रबंधन, सुरक्षा, रेल संपर्क, स्टार्टअप और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना इलाके में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां भारतीय सेना की एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद जिप्सी पलट गई, उसमें आग लग गई, जिसमें जिप्सी में सवार सेना के 3 जवानों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को सूरतगढ़ के ट्रामा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया भर के देशों में तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है। महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 31,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के 27 मार्च को मतदान है। ऐसे में गुरुवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार थमने से पहले आज बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह की 4 रैलियां हैं। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गौतम गंभीर की भी रैलियां हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार बढ़ी है। लगातार रोजाना 100 से ऊपर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का एक बार फिर से शक्ति दिखा सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने राजभवन में आयोजित लोकसभा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य जय प्रकाश पाटा के शपथ समारोह के दौरान ऐसे संकेत दिए। सीएम ने कहा है कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार 1-2 दिन में समीक्षा बैठक करेगी और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मामले लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन जैसी सख्ती करनी पड़ेगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की गई है। आज डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इसी कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.78 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ है। भारत आगामी कुछ महीनों तक कोविड-19 टीकों के निर्यात को संभवतः विस्तार नहीं देगा, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर उनका ध्यान घरेलू मांग को पूरा करने पर केंद्रित हो गया है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि भारत विभिन्न देशों से की जा चुकी मौजूदा प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा, लेकिन घरेलू मांग पूरा करने के लिए आगामी कुछ महीनों के लिए निर्यात नहीं बढ़ाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जल्द ही क्रिकेट सीरीज शुरू होने की संभावना है। इस ओर पहल की जा रही है और इस संबंध में अंतिम निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक के दौरान लिए जाने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच राजनयिक और राजनीतिक तनाव के कारण सीरीज नहीं खेली गई है। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बीच में एक दिन बैंक खुलेगा, लेकिन इस दिन कस्टमर्स के काम नहीं हो पाएंगे। मार्च क्लोजिंग के चलते बैंकों में 31 मार्च को आम लोगों के बैंकिंग संबंधी काम नहीं हो पाएंगे। 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी। ऐसे में इस दिन भी बैंकों में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ग्राहकों के लिए बैंक महज 2 दिन खुलेंगे। ऐसे में आप आज ही अपने जरूरी काम निपटा लें ताकि बीच में 2 दिन खुलने की स्थिति में आपको भीड़ से न जूझना पड़े। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।